एक क्वेश्चन मुझे कई बार पूछा जाता है कि इटली में हम पढ़ाई करने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडिया से ज़्यादा ही कमाने वाले हो, और ये क्वेश्चन यही एक रीज़न होता है आई थिंक मॉनेटरी बेनिफिट जिसके लिए हम विदेश में पढ़ना चाहते हैं आज की तारीख में। सो इस वीडियो को शॉर्ट रखने वाले हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो एंड तक देखते रहिएगा। और इसमें ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले तो कितना आप मिनिमम कम से कम इतना पैसा तो कमाओगे आफ्टर योर डिग्री। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे टॉप डिमांडिंग जॉब्स 2022 के अकॉर्डिंग। थर्ड हम डिस्कस करने वाले कौन कौन से मेजर सिटीज़ में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे कौन सी टॉप कंपनीज़ में जहाँ आप जॉब की एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सो ये जो सैलरीज, सबसे पहले अगर हम सैलरीज की ही मेन बात करें जो आप जानना चाहते हैं, तो सैलरीज जो है वो पर ईयर के हिसाब से होने वाली है और आफ्टर टैक्स होने वाली है। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। सो अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं, राइट, जो 3 इयर्स का बैचलर यहां पर होता है वो करते हैं, तो उसके बाद आपकी सैलरी होने वाली समवेयर अराउंड 15,000 यूरोस। दोस्तों इंडियन रुपीज में कहे तो समवेयर अराउंड 12,13,000। अगर आप मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स के बाद जॉब सर्च करते हैं और जॉब मिलती है, तो उस केस में आपकी सैलरी होती है 18,000 यूरोस। अगर इंडियन रुपीज में कहे तो कम से कम 15 लाख रुपए। तो अगर आपकी सैलरी इंडिया में ही 15 लाख रुपए है साल भर की, तो आप फिर डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी टफ होगा। और अगर इससे कम होती है तो आप डेफिनेटली इटली को एक स्टडी ऑप्शन बना सकते हैं। थर्ड, अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी में ज़्यादातर जॉब जो है वो रिसर्च फील्ड में होती है, टीचिंग फील्ड में होती है, तो उसमें भी एक अच्छा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है उन्हें पीएचडी स्कॉलर्स से, वो तो उस केस में आप अर्न कर सकते हैं अराउंड 25,000 यूरोस, जो कि समवेयर अराउंड 20 लाख रुपीज होता है इंडियन रुपीज़ में। अगर आप एमबीबीएस बेस्ट कोर्स होता है अगर आप बायोलॉजी फील्ड से है, तो उसमें आप अर्न कर सकते हैं समवेयर अराउंड 40,000 यूरोस, जो कि इंडियन रुपीज़ में समवेयर अराउंड 32 लाख रुपीज़ होने वाले हैं। तो एमबीबीएस में ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। एमबीबीएस इटली में 6 इयर्स का होता है, पीएचडी यहाँ पर 3 to 4 इयर्स का होता है, मास्टर 2 इयर्स का और बैचलर 3 इयर्स का। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन पढ़ोगे उतनी ज़्यादा सैलरी के इंक्रीमेंट होगी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, द मोर एक्सपीरियंस यू हैव द मोर सैलरी यू विल हैव इन इटली। जितना एक्सपीरियंस होगे उतनी ही ज़्यादा सैलरी आपकी होने वाली इटली में। तो ये तो रही कि इतना मिनिमम अमाउंट गिरी से गिरी हालत में आप कमा ही लोगे अगर ये कोर्सेज करने के लिए या ये डिग्री कोर्सेज करने के लिए आप आ रहे हो। तो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जो कि है टॉप डिमांडिंग कोर्सेज या टॉप डिमांडिंग जॉब जो कि 2022 में होने वाली है, वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये तो कुछ 25 जॉब्स ही मैं बता पाया हूँ आपको, इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स है जहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जॉब्स के हवाले से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और आईटी सेक्टर में काफ़ी जॉब्स आपको मिल जाएगी। तो आईटी में अगर आना चाहते हो तो बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है, और सेकंड बेस्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और बिजनेस के जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं। और अगर टूरिज्म और फैशन में आना चाहते हो तो इटली से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है आपके लिए। नाउ सो थर्डली हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिटीज है जहां पर हमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो इट डजंट मैटर एजुकेशन आपने कहीं से भी किया हो, जॉब के लिए आप इन कंट्रीज में आ सकते हैं, इन सिटीज में आ सकते हैं सॉरी। तो वो सिटीज है जैसे कि मिलान, विच इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल, ऑफकोर्स द फैशन कैपिटल। तो यहां पर सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है और पे भी सबसे ज्यादा इसी सिटी में है। सेकेंड पर आता है रोम, विच इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो यहां पर भी सेकेंड अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, और इन सिटीज को दोस्तों इंटरनेशनल सिटीज भी कहा जाता है, बिकॉज यहां पर इंग्लिश स्पीकर्स भी आपको काफी मिल जाएंगे। थर्ड पर मैं रखना चाह रहा हूं बोलोनिया को, बोलोनिया भी एक बहुत अच्छी सिटी है विथ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ पर ट्यूरिन, एंड फिफ्थ पर हम रख सकते हैं फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस आई थिंक ट्यूरिन से पहले भी आ सकता है। तो दीज आर द सिटीज जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, तो इनको टारगेट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंसिस भी इन सिटीज का ज्यादा रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कंपनीज जिनका मतलब कंप्लीट मार्केट शेयर है इटालियन इकोनॉमी में। सो दीज आर सम ऑफ द कंपनीज जिनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है, और इनकी एम्प्लॉयज करीबन 1 लाख तो मिनिमम हर एक कंपनी में है। तो इन कंपनीज में जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, और काफ़ी मेजर सेक्टर्स कवर करके रखे इन्होंने इटालियन इकोनॉमी के। और ऐसी काफ़ी जो है कंपनीज है जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जो ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करती है, उसके लिए किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। तो इस तरीके से दोस्तों इतना अमाउंट आप अर्न कर सकते हो जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मेजर सिटीज बता दी है, कौन कौन से जॉब डिमांडिंग है इस टाइम पर वो बता दिए, और कुछ टॉप कंपनी जिसमें रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज का वीडियो आई थिंक यही खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।
टेक केयर।